और खबर राजस्थान से, जहां के नेशनल हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाईवे के 500 मीटर के दायरे के भीतर ही शराब की दुकान चोरी छिपे चल रही है। पेश है आज तक संवाददाता शरद कुमार की खास रिपोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ने का सबूत देखना चाहते हैं तो रंगीला राजस्थान आइए। बहुत दूर नहीं, जयपुर के आसपास आपको चमचमाती सड़कों पर ही तमाम ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी जो ये बताने के लिए काफी है कि नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब देसी विदेशी शराब धड़ल्ले से बिक रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरे देश में किसी भी हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब नहीं बेची जा सकती, लेकिन कमाल देखिए, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 11 पर इसकी काट निकालने के लिए शराब कारोबारियों ने बोर्ड पर शराब की जगह दवाई लिख दी है। जयपुर आगरा हाईवे है और नियम के अनुसार इस हाईवे किनारे 500 मीटर की दूरी तक कोई शराब की दुकान नहीं हो सकती है, लेकिन देखिए किस तरह से झांसा दिया जा रहा है। देसी व अंग्रेजी दवाई की दुकान शराब हटा दिया गया है और यह खेत है। खेत से पगडंडियों से देखिए ये कार जा रही है, वहाँ जो हाईवे से यहाँ से निकल के जो गाड़ियाँ जाती हैं वो सीधे खेत के अंदर ये बनाया गया है जिस पर देसी अंग्रेजी लिखा हुआ है और दवाई की दुकान लिखी हुई है, लेकिन दरअसल वहाँ शराब बिक रहा है। अब यहाँ देखिए दीवार पर लिखा था देसी और अंग्रेजी, साथ में तीर का निशान। समझने वाले समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। और तो और पक्की बिल्डिंग न सही, खेतों में ही शराब का खोखा खोल दिया, साथ में चखने की दुकान का भी पूरा इंतजाम है। दूर से हटा कर खेत में लाना पड़ रहा है, यहाँ पक्का निर्माण करना पड़ा, सड़क बनवानी पड़ रही है हमें और बहुत भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखने वाले शराब ठेकेदार कम कमाई का रोना रो रहे हैं। शराब के खोखे के लिए खेत किराए पर लिया और स्थायी सड़क तक बनाई, लेकिन ग्राहकों का टोटा जेब भारी नहीं कर रहा। उल्टे सरकार ने दबाव बना रखा है कि शराब बेचने का टारगेट पूरा करो, नहीं तो पेनाल्टी लगेगा। मजबूरी में माल भी बेचना पड़ेगा और वहाँ से माल भी उठाना पड़ेगा, ये बात है पूरा वहाँ से गवर्नमेंट से। इसलिए खेतों में लगाना पड़ेगा। मजबूरी में चला रहे हैं दुकानों, कैसे भी घाट शराब बेच रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का वो माल बेच रहे हैं। सिर्फ जयपुर आगरा हाईवे ही नहीं, जयपुर दौसा हाईवे पर भी सड़क से 500 मीटर से कम दूरी पर शराब का कारोबार चल रहा है। कहीं खुल्लम खुल्ला बोर्ड लगा है तो कहीं आधी अधूरी लिखावट और निशान से मदिरा प्रेमियों को इशारा किया जा रहा है। दौसा जयपुर हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां कैसे उड़ रही है शराब की दुकानों को लेकर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देसी और अंग्रेजी की दुकान, बिल्कुल हाईवे पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके बगल से खेत में ये रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ से जाके मुश्किल 150 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान है जहाँ पर आराम से लोग हाईवे से उतर के जा रहे हैं। सवाल वसुंधरा सरकार से है। जी हाँ, जब आज तक के कैमरों ने हाईवे से सटे शराब की अवैध दुकानों को अपनी आंखों में कैद कर लिया तो फिर सरकार की नजर इन तक कैसे नहीं पहुंची। शरद कुमार, जयपुर आज तक। शराब ठेकों के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल उत्तर से लेकर दक्षिण तक जारी है। यूपी के हापुड़ और तमिलनाडु के वेल्लोर में शुक्रवार को एक जैसी तस्वीर दिखी जब प्रदर्शनकारी महिलाएं शराब दुकानों पर टूट पड़ी। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग राज्यों की जरूर है, लेकिन दोनों में मचे बवाल की तस्वीर एक ही है। बवाल का सबब भी एक ही है। यूपी के हापुड़ में शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने हल्ला बोल दिया तो तमिलनाडु के वेल्लोर में भी शराब ही इस बवाल की वजह बनी। हापुड़ में महिलाएं मनचलों से परेशान हैं जो इसी शराब दुकान के आसपास डेरा जमाए रहते हैं और आने जाने वाली महिलाओं पर छींटाकशी करते हैं। पानी नाक तक आ गया तो महिलाओं का झुंड शराब दुकान पर टूट पड़ा और तोड़फोड़ के बाद शराब की पेटियों में आग लगा दी। हमारी इस चीज की मांग है कि ये ठेका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी करी जा रही है, जंगल भर में हम नहीं जा सकते हैं। परेशानी यूँ है, हमारी दी बेटी आती है और वे नंगे पड़े रहते हैं, शराब पी हमारी दी बेटी बुलाते हैं।
तोड़ के आकर ये हंगामा करना पड़ रहा। तोड़ फोड़ करी थी आपने? हाँ करी थी। वेल्लोर में तो महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ शराब की खाली बोतलों की शव यात्रा निकाल दी, लेकिन शराब ठेके तक पहुंचते इनका प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने शराब दुकान के साथ साथ आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ने पर मौके पर तैनात पुलिस एक्शन में आई और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अफरा तफरी में पुलिस की लाठियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। लाठीचार्ज में कई महिलाओं को चोट आई है, जबकि हापुड़ और वेल्लोर दोनों जगहों पर प्रदर्शन के दौरान शराब लूटे जाने की भी शिकायत की गई है। हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ आज तक भी